वानी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई है। दंपति समेत दो बच्चों की मौत हुई है। कार चालक मौके से फरार हुआ। शाहपुरा फाटे के पास की पूरी घटना है। सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो बाइक सवार चार लोगों की हादसे में मौत हो गई है। यहाँ पर कार ने बाइक को टक्कर मारी। दंपति समेत दो बच्चे हैं जो बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है। कार चालक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। शाहपुरा फाटे के पास की घटना है। सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और घटना की जाँच की जा रही है। साथ ही जो ड्राइवर जो फरार है उसकी तलाश में भी पुलिस अब जुट गई है। तो जानलेवा रफ्तार का कहर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार ने बाइक को टक्कर मारी है। चार लोगों की इस हादसे में मौत हो गई जिसमें बताया जा रहा है कि दंपति और दो बच्चे शामिल थे। हालांकि बच्चों की क्या उम्र थी फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्दनाक इतना हादसा था ये कि इसमें चार लोगों की मौत हो गई है। कार चालक भी मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस अब जुट गई है, क्योंकि चालक की गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में लेने के बाद ही पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। तो कार ने बाइक को यहाँ पर जोरदार टक्कर मार दी। लगातार आप देख रहे हैं कि हादसे से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। सड़क हादसे से जुड़ी सभी खबरें हैं और लगातार तेज रफ्तार की वजह से ही ऐसे हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हैं। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी वो सभी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओएस, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? साथ ही भी बताइए कि जो कार चालक था जो कि फरार बताया जा रहा है उसकी कोई जानकारी हाथ लगी है? देखिए बताना चाहूंगा कि सेंधवा के समीप बलवाड़ी रोड पर शाहपुरा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार चार लोगों की मौत हुई है। बाइक पर पति पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि यह लोग महाराष्ट्र के जलगांव मजदूरी के लिए जा रहे थे। पलायन करके अपने गाँव जोड़ाई से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र जा रहे थे। उस समय यह हादसा हुआ और हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। वहीं जब पुलिस ने इसके परिजनों को सूचना दी तो परिजन अभी हॉस्पिटल पहुंचे, जब तक पुलिस ने इसके मृतों के शव को सेनो सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया था। जी हाँ, चलिए तो बड़वानी से बड़ी खबर है। बाइक सवार चार लोगों के हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें जानलेवा रफ्तार का कहर देखने को मिला। दंपति समेत दो बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है।